क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। उठ के जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है। उठ कर जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है। और उसकी आंखों का नूर दो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है। और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दवा मदीना है। खूबसूरत अंदाज में आप हजरात नबी की नास मात फरमा रहे थे, अल्लामा कारी गुलाम मुईउद्दीन साहब की बिला से बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत अजहार आपके खूबसूरत समातों तक पहुंच रहे थे। आप हजरात देख रहे हैं खतीब हिंदुस्तान, खतीब नौजवान, खतीब दौरा, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा अमजद अली नूरानी साहब की बिला, जो चतुर्वेद नूरानी साहब की बिला, जो सीवान की सब जमीन से चलकर आपके खूबसूरत समातों तक पहुंचे हुए हैं। आप इनके नूरानी चेहरे की ज्यारत करें, तमाम तरमाए कराम के नूरानी चेहरे की ज्यारत करें और साहबेदारैन से मालामाल हो। अभी कारी साहब का फोन आया, उन्होंने बताया कि सदर मकनपुरी साहब की आमद हो चुकी है, वो कपड़ा चेंज कर रहे हैं, उसके फौरन बाद आपके खूबसूरत समातों तक पहुंचेंगे। एक शेर पढ़ता हूँ, उसके फौरन बाद खतीब आज़म हिंदुस्तान आपके खूबसूरत समातों तक पहुंचेंगे। सुनने मेरे भाई, सुनने जरा, मोहब्बत से बोल या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल या रसूल अल्लाह। मैं करबला के हवाले से पढ़ता हूँ कि हमारे शहर का मंजर नहीं बदलता है, अगर बात सच्ची हो, बात हकीकत हो, बात दिल पर जाग लगे तब आप बोले। हमारे शहर का मंजर नहीं बदलता है, हमारे शहर का मंजर नहीं बदलता है। ये मत कहो कि सिकंदर नहीं बदलता है, यजीदियों के तो खंजर बदलते रहते हैं, हुसैनियों का मगर सर नहीं बदलता भाई। दोनों हाथों को उठाकर कह दिया हुसैन, और वापस से बोल दिया हुसैन, ऐसे नहीं। जुल्म अहले सितम का सहते हैं, साबिरों के करीब रहते हैं, हम गुलामाने पंजतन हरदम, या अली या हुसैन, हरदम या अली या हुसैन कहते हैं। जरा मोहब्बत से हाथों को उठाए और कह दे या हुसैन, और मोहब्बत से कह दिया हुसैन या हुसैन। आइए हजरात, आपके खूबसूरत समातों तक खिताब फरमाने के लिए मैं गुजारिश करूंगा खतीब हिंदुस्तान, खतीब नौजवान, फकीर इस्लाम, खतीब दौरा हजरत अल्लामा अमजद रजा नूरानी चतुर्वेदी साहब के बिला को आपके खूबसूरत समातों तक कर रहा हूँ, जो बिहार की सरजमीन से चलकर आपके खूबसूरत समातों तक पहुंचे हैं। आप मेहमान के किस तरीके से इस्तकबाल करते हैं आपको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेहमान कई खलीलाबाद बस्ती गोरखपुर की सरजमीन से चलकर नहीं आया है, बल्कि बिहार की सरजमीन से चलकर आपके खूबसूरत समातों तक आया है। इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हो, अहले ईमान हो शैतान से डरते क्यों हो, हम भी महफूज कहां अपने ठिकाने पर है, बादे बगदाद हम ही लोग निशाने पर है। खुद को पहचानो कि हम लोग वफा वाले हैं, मुस्तफा वाले हैं, मोमिन हैं, खुदा वाले हैं। अपने इस्लाम की तारीख उलट कर देखो, अपना गुजरा हुआ हर दौर पलट कर देखो, हम पहाड़ों का जिगर चाक किया करते थे, हम तो दरियाओं का रुख मोड़ दिया करते थे, हमने खैबर को उखाड़ा तो हमें याद नहीं, हमने मरहब को पछाड़ा तो हमें याद नहीं। रह के महलों में हरारते हक भूल गए, ऐशो इशरत में पयंबर का सबक भूल गए, हमने आदम के हमें जुल्म की बदली चाही, ख्वाब से जागो फिलिस्तीन से आवाज आई, कुफर दम तोड़ दे, कुफर दम तोड़ दे, कुफर दम तोड़ दे, टूटी हुई शमशीर के साथ हम निकल आए अगर नारे तकबीर के साथ, तकबीर के साथ। आप हजरात नारे तकबीर की पावर को समझो, दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह की बड़ाई करो, नारे तकबीर माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, बाबा याकूब शाह रहमतुल्लाह अलैह, उलमाए अहले सुन्नत, मसल
मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमदन तय्यबन मुबारकन कसीरन कसीरा, व सलातु व सलाम अला सय्यदिना व मौलाना मुबशिरन व नज़ीरा, नूर लक नूर व बिक नूर व मिनक नूर, नूरुन नूर नूरुन अला नूर, وداعيًا إلى الله بإذنه وسراج منيرا وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. All praise be to Allah and JD Shir the 16er of the worlds, and may the blessings and peace upon the master of prophets, on all of his companions. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran about human beings, you should to worship only one God. You must follow the method of last prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, because Muhammad is the last messenger of Allah. Allah sent on clearly mentioned in the Holy Quran, in the sight of Allah, sarvapratham श्रेष्ठतम सर्वोच्चतम गुरोत्तम महान्तम मनोहरम अति सुंदरम हे मोहम्मद ईशदूतम कृपालु दयालु दयावान करुणाशील कृपाशील जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरा मजमा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुबारकबाद के लायक हैं आप तमामी सुन्नी जन्नती मुसलमान। आप किसी दुनियादार की बारगाह में नहीं, बल्कि हुजूर बाबा याकूब अलैहि रहमा की बारगाह में तशरीफ लाए हैं। यह आपकी मुरादों को जान रहे हैं। आप जिस नियत से आए हैं, अल्लाह आपकी नियत को पूरी फरमाए, कहिए आमीन। हमें मालूम हुआ कि आज का ये उर्स पाक मुहतरम व मुकर्रम आली जनाब खादिम खास ज़ैनुल आबिदीन साहब ने मुनाकिद किया है। दुआ है अल्लाह उसकी उनके हौसले को और मजबूत फरमाए, कहिए आमीन। सदर जलसा हज़रत अल्लामा मौलाना राशिद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं, और हज़रत मौलाना जावेद साहब नकीब सदाबहार सभा संचालक महोदय नबी नकीब इजलास मुंबई अखलास हज़रत अल्लामा मौलाना फैज़ान साहब की अच्छी नज़ामत में जलसा कामयाबी की जानिब रवा दवा है। और आज की जो मेरी पहली हाज़िरी इस धरती पर हुई है, बड़े भाई उस्तादुल खुतबा खतीब लाजवाब जो आपकी बस्ती के ज़रूर हैं, लेकिन पूरा भारत अल्हम्दुलिल्लाह आज इस्तकबाल करता है, बड़े भाई हज़रत अल्लामा कारी निसार अहमद नज़ामी। दुआ है अल्लाह तबारक व ताला लंबी उम्र अता फरमाए और कामयाबी अता फरमाए, कहिए आमीन। मेंबर रसूल पर और भी दिगर उलमाई कराम तशरीफ़ रखते हैं, जो जर्रा जहां हैं वहीं आफ्ताब है। चूंकि मैं नाम नहीं जानता, ये सब मुझसे बड़े हैं, अल्लाह इनके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए, कहिए आमीन। ये ठाठे मारता हुआ मजमा आप एक वली की बारगाह में आए हैं, मैं आपका इम्तिहान लेना चाहता हूँ अशार के ज़रिए। अगर आप तैयार हैं तो मैं अपनी गुफ्तगू पेश करने की कोशिश करूँगा। एक शायर कहता है,
मुफलिस मजे में है न तबंगर मजे में है। जरा बोल के बताइए, मुफलिस मजे में है न तबंगर मजे में है, सच ये है मुस्तफा का कलंदर मजे में है। जरा रंग मिलाइए ताकि मैं कुछ बोल करके जाऊं और आप याद रखें। मुफलिस मजे में है न तबंगर मजे में है, सच ये है मुस्तफा का कलंदर मजे में है। और करता है रोज गुम्बदे खजरा का वो तवाफ, दरबारे मुस्तफा का कबूतर मजे में है। दरबारे मुस्तफा का कबूतर मजे में है। और ए बाबा याकूब अलैहि रहमा, तुम हो दाता हम है मंगता, हमको मिलना चाहिए। बोलिए बोलिए, अगर आप लेने के लिए आए हैं तो जरूर बोलेंगे, तुम हो दाता हम है मंगता, हमको मिलना चाहिए। जानते हो आप आका हमको क्या क्या चाहिए। और गौस का, ख्वाजा का, मखदूम का सदका चाहिए। गौस का, ख्वाजा का, मखदूम का सदका चाहिए। हजरत शब्बीर व शब्बर का उतारा चाहिए। और ए बाबा याकूब अलैहि रहमा, तूने मैखाना निगाहों में छुपा रखा है, तूने मैखाना निगाहों में छुपा रखा है, होश वालों को दीवाना बना रखा है। और न दिल्ली न चार मीनार देखिए, न दिल्ली न चार मीनार देखिए। और आज चौराहा लडवा महवा में, महुआ में बाबा याकूब का मजार देखिए। सुभान अल्लाह। जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। यतियंत कृपाशील है सरकारे मदीना, किस व्यक्ति पे मेरे आका का उपकार नहीं है। हजरात, यूरोप के वेलफेयर सोसाइटी ने बैठकर एक जलसा किया, जिस जलसे का मकसद ये था कि पूरी दुनिया में जो झगड़ा फैल रहा है वो धर्म की बुनियाद पर फैल रहा है, पूरी दुनिया में जो इख्तलाफ हो रहा है वो मजहब की बुनियाद पर हो रहा है। क्यों ना पूरी दुनिया को एक प्लेटफार्म पे लाया जाए, क्यों ना पूरी दुनिया को एक रास्ते पर लाया जाए, क्यों ना पूरी दुनिया को सत्य मार्ग पर लाया जाए, क्यों ना पूरी दुनिया को सतपथ पर लाया जाए। हजरात बैठ कर एक जलसा किया, जिस जलसे में तीन दानिश्वर को बुलाया, दो जज को रखा, एक यहूदी दानिश्वर को बुलाया, एक ईसाई दानिश्वर को बुलाया, एक मुसलमान दानिश्वर को बुलाया। जज ने बैठकर सवाल किया, ए यहूदी ये बताओ ये जमाना किसका है। यहूदी कहता है, ये जमाना मेरे नबी मूसा अलैहि सलाम का है। बोलिए सुभान अल्लाह, ये जमाना मूसा अलैहि सलाम का है। ईसाई खड़ा हुआ, उसने कहा ये जमाना मेरे नबी ईसा अलैहि सलाम का है। लेकिन जब मुसलमान की बारी आती है, मुसलमान सीना चौड़ा करता है, हाथ में कुरान लेता है, सीने से लगाता है, कहता है अल्हम्दुलिल्लाह ये जमाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, ये जमाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। जज ने कहा, ए यहूदी जिस नबी का जमाना होता है उनका कोई ना कोई मौजज़ा जरूर होता है, अगर ये जमाना तेरे नबी मूसा अलैहि सलाम का है तो बताओ उनका मौजज़ा क्या है। यहूदी खामोश है, ईसाई से पूछा जाता है, ईसाई खामोश है। लेकिन जब मुसलमान की बारी आती है, मुसलमान सीना चौड़ा करता है, हाथ में कुरान लेता है, सीने से लगाता है, लबों से मस करता है, सर पर रख कर कहता है खुदा का करम है, ये कुरान कल भी नबी का मौजज़ा था, आज भी मौजज़ा है और सुबह कयामत तक मौजज़ा रहेगा। नारे रिसालत उर्से मुकद्दस अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे सुबह कयामत तक मौजूदा रहेगा। मैंने कुरान अजीम की आयत करीमा तिलावत की है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब,
हमने आपको संपूर्ण विश्व हेतु कल्याणकारी बनाकर भेजा, और जो संपूर्ण विश्व हेतु कल्याणकारी बनकर आया हो वो किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं हो सकता, वो किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं हो सकता, वो किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं अल्लाह मेड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर इंटायर वर्ल्ड, मेड फॉर ऑल कम्युनिटीज, मेड फॉर ऑल रिलीजन एंड मेड फॉर ऑल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अल्लाह सेंड ऑन टू द अर्थ नॉट फॉर मुस्लिम पर्सन, नॉट फॉर इस्लाम, मोहम्मद इज मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स। अल्लाह ने अपने नबी को न किसी कौम के लिए नबी बनाया, न सिर्फ किसी देहात के लिए नबी बनाया, न कि सिर्फ किसी कंट्री के लिए नबी बनाया, बल्कि अल्लाह ने अपने नबी को पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है, पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, मेरी मुलाकात एक महाराज से हुई। मैंने कहा महाराज ये बताइए मोहम्मद के बारे में कुछ बताइए, अंतिम ऋषि, कल की अवतार, जगत गुरु, पुरुषम दीपयंती, महामहिम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में आप कुछ बताइए। कहा मौलाना क्या बताऊं, मैंने ऋग्वेद खोला मोहम्मद को देखा, अथर्वेद खोला मोहम्मद को देखा, सामवेद खोला मोहम्मद को देखा, यजुर्वेद खोला मोहम्मद को देखा, कल की पुराण खोला मोहम्मद को देखा, भविष्य पुराण खोला मोहम्मद को देखा, महाभारत खोला मोहम्मद को देखा, 18 पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, हमने जहां देखा मोहम्मद को देखा। वो गैर है लेकिन ये कहता है ये इस्लाम सीना बसीना ना होता, खुदाई का ऐसा करीना ना होता, जमी आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी नहीं होता। उसी नबी के बारे में मैं नहीं बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं डियर आफ्टर आई विल नॉट टच मच विथ यू फॉर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कमिंग एंड हैड नथिंग इन मी इफ यू आर मिक्सिंग माय कमांड्स एंड आई विल आस्क द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर कंफर्टर दैट ही मे वाइट विद यू फॉर इवर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ओ मेरे मानने वालों सुनो, अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, संदेश आने वाले हैं, सुनो वो आ जाए तुम उनका दामन थाम लेना, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, मरने के बाद भी कामयाब हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लाम सबसे बेस्ट धर्म है। आज दुनिया कहती है इस्लाम दहशतगर्दी फैलाता है, इस्लाम आतंकवादी फैलाता है, लेकिन मैंने कहा नादानो गलत बोल रहे हो, इसलिए कि तशद्दुद ज़ुल्म और नफरत के आदि हो नहीं सकते, नबी के चाहने वाले फसादी हो नहीं सकते। हमारा धर्म तो इंसानियत का दर्श देता है, हमारी कौम में कोई आतंकवादी हो नहीं सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम आतंकवाद के लिए नहीं आए हैं, हम तो गिरतों को उठाने के लिए आए हैं, हम तो प्यासों को पानी पिलाने के लिए आए हैं, हम तो रोतों को हंसाने के लिए आए हैं। दुनिया कहती है इस्लाम तोड़ता है, लेकिन मैंने कहा गलत बोल रहे हो, इसलिए कि बिकॉज इस्लाम टीचिंग द नेशन ऑफ मोहब्बत एंड स्प्रेड लव एंड अफेक्शन इन ऑल ह्यूमन बीइंग, इस्लाम एलिमिनेट वायलेंस, एलिमिनेट पेन, इस्लाम डजंट ब्रेक बट कनेक्ट्स टू ब्रोकन हार्ट। दुनिया कहती है इस्लाम तोड़ता है, लेकिन मैंने कहा गलत बोल रहे हो, अदावत के ऐनक को हटाओ, मोहब्बत का चश्मा लगाओ, इस्लाम तोड़ता नहीं है, इस्लाम दो टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ा करता है। नारे तकबीर, और मोहब्बत से नारे तकबीर, उर्से मुकद्दस इस्लाम, अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे जितना तुम तराशोगे उतना ही सेवा होगा। मेरे भाई लोग अंधेरा में बैठे हैं, अंधेरा का फायदा उठा रहे हैं, जरा बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। पीछे वाले सोच रहे हैं अगला से काम चल रहा है तो हम लोग को बोलने की क्या जरूरत है। मुखिया जी का इलेक्शन हो तो सब डबल डबल हाथ उठाता है कि मुखिया जी हमारा हाथ देंगे। जरा आप भी बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह,
सरकार का दामन, गौसे पाक का दामन, गरीब नवाज का दामन, बाबा याकूब अलैहि रहमा का दामन, सास ससुर का दामन, हाई देख बबुआ लोग भी बोल रहा जब मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, तकरीर करने के बाद मैं जैसे ही नीचे उतरा स्टेज से तो एक नौजवान मेरी कलाई पकड़ लिया। उसने कहा, मौलाना साहब आप तकरीर कर रहे थे कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, तो बताइए क्या सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है या नहीं है, आप लोग ही क्यों नहीं बताते हैं। तो मैंने कहा, बाबू ब्याह करे के बाद तो कहा बताइए ना सास ससुर के कदम के नीचे क्या है। मैंने कहा एसी है, कूलर है, थपाची है, स्कॉर्पियो है। नौजवानों आज के इस उर से हुजूर बाबा याकूब अलैहि रहमा से पैगाम अमजद रजा नूरानी का नोट करके जाओ कि आज के बाद किसी गरीब बाप की बेटी के हाथ पे नहीं बिकेंगे, अगर बिकना है तो फातिमा के बाबा के हाथ पर बिकेंगे। सुनो, अगर उनके हाथ पर बिकोगे तो वो मुस्तफा तेरी जिंदगी भी सवार देंगे, तेरी आखिरत भी सवार देंगे। जितना तुम तराशोगे उतना ही सेवा होगा, जितना तुम तराशोगे उतना ही सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा हो। मत बढ़ाइए। सुनने वाले को डिस्टर्ब आप कर रहे हैं। हजरत अल्लाह ने हमें लाजवाब नबी अता फरमाया, बेशक जिंदाबाद। अभी कुछ दिन पहले कारी निसार साहब, मैं एक दुकान में गया तो मैंने देखा एक 80 साल का चचा है, दाढ़ी बनवाने के बाद एक बाल पकड़ के कह रहे हैं बबुआ है खूंटी निकाल दे खूंटी। मैंने कहा चचा है 80 साल के उम्र, न मुंह में दांत न पेट में आग, दूसरी ब्याह करना है का, स्मार्ट बन रहे हैं। अल्लाह अकबर, एक पांव कब्र में चला गया, लेकिन कुछ चेहरे हैं सुभान अल्लाह, जो चेहरा चमक रहा है, बोलिए ना सुभान अल्लाह। दुनिया में अगर मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करेंगे तो सवाब क्या मिलता है। दुनिया में जो नबी का कहा मान जाएंगे, अभी भी लग रहा है यहां लॉकडाउन लगा है का। दुनिया में जो नबी का कहा मान जाएंगे, दुनिया में जो नबी का कहा मान जाएंगे, दुनिया में जो नबी का कहा मान जाएंगे, तो महशर में मुस्तफा उन्हें पहचान जाएंगे, तो महशर में मुस्तफा उन्हें पहचान जाएंगे। मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, मेरी मुलाकात एक महाराज से हुई, उन्होंने कहा, मैंने कहा महाराज हम तो यूं अपनी किताबों से अपने नबी की तारीफ करते हैं, लेकिन जरा बताइए आपकी किताब में अंतिम अवतार कल की अवतार के बारे में कुछ लिखा है। तो उन्होंने कहा मौलाना हमें नहीं मालूम है। मैंने कहा सुनिए, मैं तो अपनी जबान में बहुत बोलता हूँ लेकिन आपकी किताब से बताने जा रहा हूँ, और वो भी तीन खूबी बयान करने जा रहा हूँ,
ध्यान पूर्वक सुनने लगा। कहा मौलाना बताइए। मैंने कहा सुनिए, आपकी किताब में लिखा गया वो अंतिम ऋषि जो आएंगे पहले खूबी ये होगी, अश्वमा शुभमा रूहा देवदत्तम जगतपति असीना साधु दमनमस्ते शिरावरीय गुणान्विता। मैंने कहा सुनिए, आपकी किताब में लिखा गया वो अंतिम संदेष्टा जो आएंगे अल्लाह उन्हें घोड़े की सवारी यानी बुरा कथा फरमाएगा। सुभान अल्लाह। का मौलाना दूसरी खूबी बताइए। मैंने कहा बता सुनिए, दूसरी खूबी ये होगी लिंग छेदी ही ना शमशरोधारी शदुशय का उच्चलापि सर्ववक्षी भविष्यति जनो ममा। मैंने कहा सुनिए, आपकी किताब में बताया गया वो अंतिम संदेशा जो आएंगे तो खतना शुदा पैदा होंगे, उनकी आंख में सुरमा किया गया होगा, बाल में कंघी की गई होगी और सुनो वो चोटी नहीं रखेंगे बल्कि दाढ़ी रखेंगे और सुनो वो और आवाज नहीं देंगे बल्कि बुलंद मकाम पे खड़े होकर के अल्लाह हु अकबर की सदा लगाएं। मैंने कहा बताओ दुनिया में कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ? कहा महाराज ऐसा बच्चा अगर पैदा हुआ तो उसी बच्चा का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उसी बच्चा का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मैंने कहा सुनिए, आपकी किताब में लिखा गया तीसरी खूबी ये होगी अथते शाम भविष्यन्ति मनांश विशदानी वै वासुदेवम गरागति गरागति जब त्यो तीन मर्तबा किया तो कहा मौलाना ये गरागति गरागति क्या कर रहे हो? मैंने कहा यही तो नबी की खूबी बयान कर रहा, यही तो नबी की खूबी बयान कर रहा हूँ। कहा वो क्या? मैंने कहा सुनिए, आपकी किताब में लिखा गया वो अंतिम संदेशा जो आएंगे उनके बदन से सुगंध निकलेगी, खुशबू निकलेगी जो हवाओं में मिलकर लोगों के मन को निर्मल व मातर कर देगी और वो जिस रास्ते से निकल जाएंगे रास्ता भी महकने लगेगा। सुभान अल्लाह। गुल है अगर बदन तो पसीना गुलाब है, गुल है अगर बदन तो पसीना गुलाब है, सले गला वो जिस मेरे सालत बाब है, सले गला वो जिस मेरे सालत माब है। उसी नबी के बारे में हम क्या बल्कि श्री माइकल हार्ट लिखते हैं, डॉक्टर माइकल हार्ट सेड इन हिज बुक द 100 हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वास्ट ऑनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड सेक्युलर लेवल्स। डॉक्टर माइकल हार्ट लिखते हैं इसी तारीख के सफे पर एक ऐसा शख्स आया जिसने थोड़े से जमाने में एक धर्म की बुनियाद रखी, वो मुस्तफा तो चले गए लेकिन आज भी पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम नजर आ रहा है, मजहब इस्लाम नजर आ रहा है। अच्छा एक भाई, एक बड़े भाई ने अपने भाई की 4 बीघा जमीन हड़प ली। कितना? 4 बीघा जमीन हड़प ली। जिस दिन छोटे भाई ने कहा ठीक हम पंचायत कराएंगे, मुखिया जी सरपंच को सबको बुलाया, मुखिया जी ने फैसला किया, पूछा ये बताओ तुम अपने भाई की जमीन क्यों नहीं देते, क्यों हड़प लिया? तो कहा सुनिए मुखिया जी, हम आपकी बात तो मानते हैं लेकिन जमीन नहीं देंगे। तो कहा मानते कैसे हो? कुछ दिन के बाद वही आदमी है जो हज करने के लिए जा रहा है, बाजू में एक मदरसा था, मदरसा में गया कि मौलाना साहब से कुछ मसला भी पूछ लूं, सलाम कर लूं, दुआ ले लूं। मौलाना साहब के पास गया, सलाम किया, सलाम अलैकुम। मौलाना साहब मैं हज करने के लिए जा रहा हूं। मौलाना साहब ने कहा ये बताओ पहले का सब क्लियर हो गया है? पहले का क्लियर हो गया? कहा मौलाना हाँ बिल्कुल हम फिट हैं। कहा जो 4 बीघा अपने भाई की जमीन हड़पा है वो दिया है कि नहीं दिया है? तो सुनिएगा, नौजवान कहता है अरे मौलाना साहब हवे तो हम बख्शवाने, हम हज करने के लिए जा रहे हैं, हवे बख्शवाने। सुनिए आप लाख हज कर लीजिए लेकिन भाई की जमीन हड़पी है ना आपने, अल्लाह राजी नहीं होगा, आप खुदा राजी नहीं होगा।
वो हज आपके मुंह पर मारे जाएंगे। सुनो, अच्छा बहुत सारे हाजी को देखिएगा, जब आते हैं वहां से वापस आते हैं तो सियासत करते हैं, इधर से हटाया उधर लड़ाया, उधर से हटाया इधर लड़ाया, लेकिन हज करने का मकसद क्या है कि दिल साफ होना चाहिए। बोलिए सुल्तान, दिल साफ होना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों का आस्था ये है, पापी से पापी आदमी अगर गंगा स्नान कर लेता है ना तो पाप से मुक्ति पा लेता है। लेकिन तुलसीदास कहते हैं, गंगा गए तीन जना चित चंचल मचोर, एका पाप न काटियो लादन दसमन। और तुलसीदास कहते हैं, लोगों अगर तुमने गंगा में स्नान किया लेकिन अपने हृदय को पाक नहीं किया छल से कपट से हसद से बुग्ज़ो एनाद से, तो तुम पाप से मुक्ति नहीं पाए बल्कि दसमन और पाप वापस लेकर के आए हो। इसलिए एक शायर कहता है, तन को धोया नहीं मन को धोया नहीं, तन को धोया नहीं मन को धोया नहीं, नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत उर्से मुकद्दस उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत शायर हिंदुस्तान सदर अली मकनपुरी, नारे तकबीर नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, आप तशरीफ रखें तशरीफ रखें। मेंबरे रसूल पर जिस इंटरनेशनल शायर का इंतजार था वो तशरीफ ला चुके हैं, शायर आजम हिंदुस्तान मोहतरम जनाब सैयद मकन शजर मकनपुरी तशरीफ ला चुके हैं, आप मेरे बाद इनकी शायरी सुनेंगे। तो हजरात मैं शेर पेश कर रहा था, तन को धोया नहीं मन को धोया नहीं, तन को धोया नहीं मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा, और माँ की अजमत को जो तूने समझा नहीं, माँ की अजमत को जो तूने समझा नहीं, फिर तो काबे में जाने से क्या फायदा, माँ की अजमत। ये दास का नोट वो भी फटा हुआ। जलसा के बाद बहुत बड़ा जलसा एक जगह हुआ, जलसा के कल होकर के चाय खाने में एक आदमी बैठा था, कह रहा था चल गया चल गया चल गया। किसी ने पूछा भाई साहब क्या चल गया, अरे यार 100 का नोट था कभी चलता नहीं था, पेट्रोल पंप से भी वापस हुआ था। लेकिन रात शायर लोग आए थे ना, हमने उनको 10 रुपया दिया। सुभान अल्लाह सुभान, ऐसा नहीं है कि यहाँ 10 रुपया लोग देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिवान बिहार से आया हूँ, सिवान की अगर शान है तो यूपी शहर मुहज्जब और बिलखुसूस ये अमर डोबा की सरजमीन जो हजरत हुजूर सूफी निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत से पहचानी जाती है, ये सरजमीन ऐसी सरजमीन है जहाँ 10 ही नहीं लोग 500 भी दिया करते हैं। सुभान अल्लाह हजरात, तो चल गया, उसने कहा कि मैंने 10 रुपया दिया, 100 का नोट दिया, 90 रुपया वापस ले लिया, मैंने 100 का नोट उसी दिन चला दिया है। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, लोग 10 का नोट दे रहे थे, मैंने कहा 10 से ऊपर किसी ने नहीं दिया। एक चचा दौड़ते हुए आए, 100 का नोट पकड़ाए, वहीं पे खड़े रहे, मैंने कहा चचा खैरियत तो है, तो कहा जल्दी से 10 रुपया काट कर 90 रुपया दे दीजिए। लेकिन चूंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, लेने के बाद देने के बाद वापस नहीं लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग हैं। मैंने कहा माँ की अजमत को जो तूने समझा नहीं, फिर तो काबे में जाने से क्या फायदा। बेचारी माँ 10 रुपये की दवा के लिए बिस्तरे पे कराहती होती है, लेकिन ये बेचारा
होम मिनिस्टर को लेकर के कभी अजमेर घुमा रहा है, कभी देवा घुमा रहा है, कभी कलियर घुमा रहा है, कभी ब्रायली घुमा रहा है। नौजवानों, आज एक पैगाम नोट करके जाओ, आप अजमेर ही नहीं, किछोचा ही नहीं, आप बगदाद चले जाइए, बगदाद ही नहीं बल्कि मदीना चले जाइए, मदीना ही नहीं बल्कि मक्का चले जाइए। लेकिन याद रखिए, अगर आपसे आपके माता पिता नाराज है, आपके माँ बाप नाराज है, तो ये अल्लाह वाले राजी नहीं हो सकते हैं। इसलिए माँ बाप को राजी कीजिए, माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह, माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। इन्हीं की एक किताब है जिस किताब का नाम है कल की अवतार, जिस किताब में लिखा गया साल मंदी पे संभल गणा में मुख्य से बढ़ा मरसिया महात्मा न भोने विष्णु यशस्या। कल की ये प्रादुर्भविष्य दी तारकम चयुर्ग वेदो यजुर्वेदो हिरण्यकम कुंडलियम साम वेदो ही अर्ध चंदुड़वा सरगुड़ा बिंदु सशोक संविदायम पर्णो वेदो बीज कम। बोलो सुभान अल्लाह। आप कहोगे मौलाना आप संस्कृत पढ़ रहे हो, सुभान अल्लाह क्यों कहलवा रहे हो? मैं कहूंगा जबान कोई है लेकिन तारीफ मेरे मुस्तफा की हो रही है। मैंने कहा सुनिए, इनकी किताब में लिखा गया वो अंतिम संदेश का जो आएंगे तो सालमन द्वीप यानी मक्का में जन्म लेंगे। सुभान अल्लाह। उनके पिता का नाम विष्णु यश यानी अब्दुल्ला होगा, उनकी माता का नाम सोमती यानी आमना होगा। और सुनिए, इन्हीं की एक किताब है जिस किताब का नाम है कपिल गीता, नोट कीजिए। इन्हीं की किताब में लिखा गया अंतिम संदेश का जो आएंगे तो कौन सी किताब लेकर आएंगे? उठाओ कपिल गीता, जिस किताब में बताया गया तारकम चयुर्वेदो यजुर्वेदो हिरण्यकम कुंडलियम साम वेदो ही अर्ध चंदुड़ो असरगुड़ा बिंदु सशोक संविदायम पर्णो वेदो बीजकम, जिसका अर्थ ये है अंतिम संदेश का जो आएंगे तो पर्णो वेद लेकर आएंगे। सुहान। आप कहोगे मौलाना पर्णवेद का अर्थ क्या होता है? तो मैं कहूंगा पर्णवेद का अर्थ होता है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई किताब पढ़ी जाती है तो उसी किताब का नाम है कुरान मजीद। लेकिन कल भी दुनिया कुरान को मिटाना चाह रही थी, आज भी दुनिया कोशिश कर रही है, लेकिन ये उलमाई कराम ने कल भी दुनिया को पैगाम दिया था, जालिमो तुम कुरान को नहीं मिटा सकते। क्यों? इसलिए कि फरमाने मुस्तफा कभी टाला न जाएगा, फरमाने मुस्तफा कभी टाला न जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला न जाएगा। और जब तक के एक भी मुसलमान है हिंद में, जब तक के एक भी मुसलमान है हिंद में, भारत से ये कुरान मिटाया न जाएगा। और है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जिंदाबाद। आज दुनिया कोशिश कर रही है, लेकिन मैंने कहा लाओ दुनिया की अन्य किताबों को समंदर में डाल दो, कुरान को भी लाओ समंदर में डाल दो। दुनिया चाहती है कुरान को चला दूंगा, किताब मुसलमानों की पवित्र किताब खत्म हो जाएगी, लेकिन मैंने कहा सुनाओ ये किसी व्यक्ति की लिखी हुई किताब नहीं है, ये आकाशीय पुस्तक है, आकाशीय ग्रंथ है, इसे रब ने भेजा तो हिफाजत की जिम्मेदारी ली। रब फरमाता है कुरान हमने दुनिया में नाजिल किया है, कुरान की हिफाजत भी हम करेंगे। नारा लगाइए, मजमा से नारा लगाइए। हजरात, मेरा मजहब लाजवाब है, बोलिए जरा सुभान। मेरा नबी लाजवाब है। और सुनिए, जिस वली की बारगाह में आए हैं ना, ये कैसे जिंदगी सवार देते हैं, बोलिए सुभान अल्लाह।
ए एक अच्छा वारिस पाक का मजार कहाँ है? कहाँ है? अच्छा यहाँ तो नौजवान को याद है, एक जगह मैं तकरीर करते करते एक नौजवान से पूछा, ए नौजवान ये बताओ तुम्हारे नबी कहाँ पैदा हुए? उसने कहा मौलाना साहब बताए। मैंने कहा बताओ बाबू बताओ, अच्छी बात है बताए। मैंने कहा बताओ, तो कहा अजमेर शरीफ में। मैंने कहा जल्दी से बैठ जाओ, वारिस पाक का मजार कहाँ है? पीछे वाले बोलिए देवा शरीफ में। एक शराबी आया, वली कैसे दुनिया बदल देते हैं, दिल की दुनिया, बोलिए ना सुभान अल्लाह। एक शराबी आया वारिस पाक की बारगाह में, कहा हुजूर हम भी मुरीद होना चाहते हैं। शराबी है, चूंकि वारिस पाक हम देखते हैं ना तो चेहरा नजर आता है, अल्लाह वाले चेहरा देखते हैं दिल नजर आता है। अल्लाह वाले हम देखे तो आसमान नजर आता है, अल्लाह वाले अगर ऊपर निगाह करते हैं ना तो लोहे महफूज नजर आता है। वारिस पाक ने देखा और कहा ये तो बड़का शराबी है, अगर छोड़ दूंगा ना और बिगड़ जाएगा, मेरी बारगाह में नहीं सवरेगा तो फिर कहां सवरेगा, बोलिए ना। आप फरमाते ठीक है हम मुरीद करेंगे। तो शराबी कहा हुजूर एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? तो कहा सब कुछ छोड़ देंगे लेकिन शराब पीना नहीं छोड़ेंगे। शराब पीना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वारिस पाक ने कहा ठीक है तेरी शर्त हमें मंजूर है, तुम शराब पीना नहीं छोड़ोगे ना तो मेरी भी एक शर्त है, वो शर्त ये है कि तुम पीना लेकिन मेरे सामने मत पीना। क्या मेरे सामने मत पियोगे? उस शराबी ने सोचा कि तब तो ठीक है, हजरत के सामने नहीं पीना है ना, कहीं भी जाऊंगा पलानी में बैठूंगा मार दूंगा। मुरीद हो गया, कल हो करके जैसे ही पीने की ख्वाहिश हुई दौड़ा दौड़ा गया शराब भट्टी में गया, और जैसे ही अंदर जाता है तो देखता ये है वारिस पाक पहले से बैठे हैं और पढ़ रहे हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ भागा पीछे कदम लौटते हुए, अरे बाप रे भाई यहाँ भी पीर मौजूद है। सोचता है कि शायद किसी बेवकूफ ने हजरत को मेरे अड्डा की खबर दे दी है। कहा यहाँ कल से नहीं आऊंगा, दूर जाऊंगा। वहां से निकला और कल होकर दूर चला गया। इरादा खुशी में मचलता जा रहा है कि आज तो दिल की ख्वाहिश पूरी करूंगा। शराब अड्डे पे जैसे गया, जैसे ही अंदर इन किया, दरवाजे के अंदर एंट्री हुई तो देखा ये है वारिस पाक पहले से बैठे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ा वापस हुआ और कहा ऐसा लगता है कि मेरे तमाम अड्डों के बारे में हजरत को किसी ने खबर दे दिया है। अब ऐसा करूंगा यहाँ नहीं पीऊंगा, लूंगा। हजरत यहाँ न चले जाते हैं, यहाँ की खबर है लेकिन घर पे थोड़ी जाएंगे, घर पे थोड़ी जाएंगे। लिया बोतल, मचलता हुआ घर गया और जैसे आंगन में गया शराब की बोतल का ढक्कन खोला, खोलने के बाद जैसे यूं बढ़ाता है देखता ये है सामने वारिस पाक खड़े हैं सुभान अल्लाह। मारे गुस्सा के बोतल पटक दिया और बेचैन हो गया, साबिरे पाक गायब हो गए। दिल में इरादा करता है किसी ने घर का भी पता दे दिया है, सुनो दरवाजा खुला था हजरत चले आए हैं, कल से दरवाजा भी बंद कर देंगे तब पिएंगे, देखता हूँ किधर से आ रहे हैं। बे अल्लाह वालों की यही तो शान है, हमको अगर मक्का मदीना जाना हो ना तो हम पासपोर्ट और वीजा की बुनियाद पर जाते हैं, लेकिन सुनो अल्लाह वाले जब मदीना जाते हैं ना तो पासपोर्ट की बुनियाद पर नहीं, वो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत की बुनियाद पर जाते हैं। इसीलिए आला हजरत का
हाल ये है, एक हर जुमेरात को आप जोहर के बाद किसी से मुलाकात नहीं करते थे। एक आदमी आया, कहा कि मैं हजरत से मिलूंगा। वहां जो खादिम था कहा कि हजरत इस वक्त मुलाकात नहीं करते हैं। कहा नहीं, मैं मिलूंगा। कहा ठीक है, जाओ। रूम में गया, हुजरा के अंदर गया, चारों तरफ देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, चारों तरफ देखा, लेकिन आला हजरत मौजूद नहीं है। सुभान अल्लाह, आला हजरत मौजूद नहीं है। दरवाजे पे खड़ा हो गया, थोड़ी देर के बाद देखता ये है इमाम अहले सुन्नत जुबदतुल आरिफिन खुतबतुस सालिकिन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदीनो मिल्लत अच्छा इमाम अहमद रजा। उसी हुजरा से निकल रहे हैं, वो आदमी पूछने लगा, हुजूर मैंने हुजरा में देखा, नीचे देखा, ऊपर देखा, मैंने विंडो खोल कर देखा, चारों तरफ देखा, अलमारी में भी देखा, आप कहीं मौजूद नहीं थे। आला हजरत का जवाब सुनिए, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, सुनो, अल्लाह ने मुझ फकीर को ये ताकत ये शरफ बख्शी है कि मैं हर जुमेरात को मैं बरेली से मदीना जाता हूँ। सुबह मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत हमजद रजा नूरानी उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर जिंदाबाद। हजरत तो वाणी से पाक ने देखिएगा कैसे उसके दिल के दुनिया को बदल दिया है। हजरत उसने सोचा कि जाऊंगा अब ऐसे रूम में जाऊंगा, कहीं से दरवाजा भी बंद करूंगा, और वहां गया कहीं कहीं शराब पीने के लिए। पहले ही वहां पे मछली तली जाती है, गोश्त बनाया जाता है, पहले शराबी लोग मुंड बनाते हैं, मुंड बनाते हैं, कबाब कोफ्ता बिरयानी खाने के बाद फिर शराब पीते हैं ना, बैठा शराब पीने के लिए, और एक छत में सुराग हवा को आउट करने के लिए ऑक्सीजन निकलने के लिए छोड़ा गया था। वो जैसे ही शराब की बोतल को लिया है और यूं उठा रहा है तो देखा ये है ऊपर से उसी सुराग से एक डंडा चला रहा है। सुभान अल्लाह, एक डंडा चला रहा है, धीरे 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 उसी बोतल के करीब आ गया। उसने सोचा या अल्लाह ये क्या हो रहा है। हजरत ऊपर जैसे निगाह उठाई तो देखा सामने वारी से पाक टुक टुक देख रहा है। सुभान अल्लाह, टुक टुक देख रहे हैं। उसने शराब की बोतल को पटका और चाक के कदमों में गिर गया, कहा ए बारिश मैंने तौबा किया था लेकिन आज के बाद मैं दोबारा आज फिर तौबा करता हूँ। आज के बाद आपका मुरीद ना आपके सामने पिएगा ना आपके पीठ पीछे पिएगा। तौबा करता है वारिसे पाक फरमाते हैं नादान सुनो, पीर के हाथ में हाथ देने से फायदा यही होता है, ये पीर तुम्हें दुनिया के गुनाहों से बचा सकते हैं। मेरे वारिसे पाक फरमाते हैं कि जब पीर दुनिया के गुनाहों से बचा सकते हैं, मेरा नबी इतना लाजवाब है तुम्हें कब्र के अजाब से बचा सकते हैं। मेरा नबी, बोलिए ना, बोलिए ना, कब्र के आजाब से बचा सकते हैं। अच्छा कुछ लोग उर्स कीजिए ना तो कुछ लोगों को दर्द होता है, बेचैनी होती है, लेकिन हम और आप उन्हें कहेंगे सुनो हम औलिया का जश्न मनाएंगे बार बार, हम औलिया का जश्न मनाएंगे बार बार, मनाएंगे बार बार, जो जल रहे हैं उनको जलाएंगे बार बार, जो जल रहे हैं उनको जलाएंगे बार बार। अच्छा नाम अच्छा रखना चाहिए, है ना, नाम अच्छा रखना चाहिए ना। आज का नाम कल्लू,
टुन्ना, मुन्ना, गुड्डू, पप्पू, टमाटर, एक जगह नाम था बलादर। अजीब हाल है, मुसलमान है ना, नाम अच्छा रखिए, है ना भाई। जंतरी में कैलेंडर में भी नाम का माना नहीं मिलता है। अगर कोई बुध को पैदा हुआ तो बुद्धन भैया, अगर कोई जुमा को पैदा हुआ तो जुम्मन भैया, अगर किसी का नाम होगा तो माफ कीजिएगा, कारी निसार भाई की खैरियत लीजिएगा, क्योंकि मैं तो सुबह चला जाऊंगा। अगर कोई शनिचर को पैदा हुआ तो शनिचरी, अगर कोई इतवार को तो इतवारी, कोई सोमवार को सोमवारी, कोई शबे बारात में तो शुभराती भैया, अब कोई मंगल को तो मंगली, अब कहीं जंगल में पैदा हुआ तो। ये आपकी डिक्शनरी है, हम तो कहते हैं नाम अच्छा रखिए, क्यों, इसलिए कि खूब नाम मोहम्मद है ऐ मोमिनो, खूब नाम मोहम्मद है ऐ मोमिनो, जिसमिनो कता भी रब को गवारा नहीं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक जगह प्रोग्राम से आ रहा था, मैंने देखा 12 बजे चार वो नौजवान बैठा है, नौजवान नहीं था, 15 से 16 साल 17 साल लगभग जवानी पे पहुंच रहा था, बैठा है, एक कर आगे मार 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 मार। अब मैं पलटा कि या अल्लाह मैंने कुछ किया नहीं, ये किसको मारना चाह रहा है। मेरे साथ एक मौलाना साहब थे, मैंने कहा कुछ बोलिएगा मत, नए का लड़का सब है, ये लोग तो इमाम को देखता है तो मोटरसाइकिल हजरत ऐसे शर्ट का बटन खोल के चलाता है, लगता है कि इमाम साहब को ही ठोक। मैंने पलट के गया, कहा ए बाबू कौन सी गलती हो गई है कि हमको मारने की कह रहे हैं, कि हजरत हम आपको थोड़ी मारना चाह रहे हैं, हम लोग मोबाइल में मार रहे हैं, मोबाइल में मार रहे हैं, मारते मारते एक दिन पता चलता है कि खुद मर जाता है। नौजवानों मुसलमानों, अपने बच्चों के हाथ में कुरान दो, सुभान अल्लाह, जो बच्चों को पढ़ना चाहिए। आज बाप ने दुलार में मोबाइल थमा दिया है, जब मैट्रिक में फेल होता है, इंटर में फेल होता है, फिर हम रोना रोते हैं, मेरे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है, मेरे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है। मैं कहना चाहता हूँ, पढ़ो और पढ़ाओ अपने बच्चों को, और सुनो दुनिया की तमाम इल्म को दो, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को हाथ में कुरान थमा दो। आज जो दुनिया तरक्की कर रही है, इसी कुरान के बदौलत तरक्की कर रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत। खूब नाम मोहम्मद है ऐ मोमिनो, जिसमें नुकता भी रब को गवारा नहीं। वो खूब नाम मोहम्मद है मोमिनो, जिसमें नुकता भी रब को गवारा नहीं। जो नबी की मोहब्बत से मुंह फेर दे, जो नबी की मोहब्बत से मुंह फेर ले, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। रात तो इसलिए, अच्छा एक नौजवान को मैंने फोन किया तो गाना बजने लगा, मैंने कहा या अल्लाह इसका नाम मैंने अब्दुल रहमान सेव किया है, गुलाम रसूल सेव किया है, अब्दुल्ला सेव किया है, लेकिन गाना बज रहा है। मैं सोच में पड़ गया, और सुनो आज हमारे नाम अच्छे हैं लेकिन काम गलत है, है ना। लोग कहते हैं अरे इसका नाम अब्दुल रहमान है लेकिन काम, ये मुसलमान है लेकिन काम ऐसा कर रहा है। लेकिन सुनो, आओ हजरत उमर की बारगाह में, जब आप अमीरुल मोमिनीन है ना,
एक शख्स ने अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखा। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनिएगा, आज शर्मानी चाहिए मुसलमानों, हमारा नाम मोहम्मद है, हम शराब के अड्डे पे नजर आते हैं। हमारा नाम गुलाम रसूल है, हम शराब के अड्डे पे नजर आते हैं, ज़िना के अड्डे पर नजर आते हैं। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन है, आपको मालूम होगा एक शख्स का नाम मोहम्मद है लेकिन उसका अखलाक अच्छा नहीं है, किरदार अच्छा नहीं है, करेक्टर अच्छा नहीं है, वो लोगों को सताया करता है। अमीरुल मोमिनीन है, आप निकले हैं अपने घर से, उसके घर गए और जाने के बाद कहा, सुनो तेरा बेटा कहाँ है? कहा, हुजूर ये मेरा बेटा है। बुलाया, सामने किया, अमीरुल मोमिनीन तलवार निकालते हैं, निकालने के बाद उसकी गर्दन पे रख देते हैं और फरमाते हैं, सुनो हमें मालूम हुआ है कि तुमने अपना नाम मोहम्मद रखा है लेकिन तेरा अखलाक खराब है, तेरा करेक्टर अच्छा नहीं है, सुनो या तो अपना नाम बदल लो या अपना अखलाक बदल लो। उस दिन से उसने वो सुधर गया, फिर अखलाक अच्छा हो गया। यही तो दुनिया को हमें बताना है, दुनिया जो सोच रही है वो इस्लाम नहीं है, दुनिया जो सोच रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि इस्लाम तलवार की जोर पे फैलाया था, हमें दुनिया को दिखाना है इस्लाम तलवार की जोर पे नहीं फैला है। आओ मुस्तफा की बारगाह में, जब नबी मक्का की सरजमीन पर है, मेरे नबी ने इस्लाम का प्रचार किया है, दीन मुस्तफा अपने नबी अपने दीन का जब तबलीग करना शुरू किए हैं, कोई आपको पागल कहता है, कोई आपको मजनू कहता है, कोई आपको दीवाना कहता है, और हद तो उस वक्त हो गया जब मेरे मुस्तफा सजदे में जाते हैं, उकबा इब्ने मुईद आपकी गर्दन में ऊंट की ओझड़ी लाकर डाल देती है, डाल देता है। हजरत फातिमा की 6 साल उम्र है, हजरत फातिमा दौड़ती हुई जाती है, बाबा की गर्दन से ऊंट की ओझड़ी निकालती है, कहती है, बाबा कब तक इन जालिमों का जुल्म बर्दाश्त किया जाएगा? सुनो नबी का जुमला, मेरे नबी फरमाते हैं, फातिमा फिक्र मत करो, खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। और सुनो, आज दुनिया कहती है ना मुस्तफा ने दहशतगर्दी का पाठ पढ़ाया है, मैं कहूंगा गलत बोल रहे हो। मुस्तफा को एक बुढ़िया है मक्का की सरजमीन पर जो आपके बदन पे कचरा डालती है, लेकिन इस्लाम कहते किसे है? मेरे नबी रोजाना गुजरते हैं उस रास्ते से, रोजाना घर का कचरा लाकर आपके बदन पे डाल देती है। मुस्तफा मुस्कुराते हुए गुजर जाते हैं, गुजर जाते हैं। एक दिन उस औरत ने डाला नहीं ना, तो मेरे नबी ने फरमाया, ये बताओ वो बूढ़ी औरत कहाँ है? रोजाना कचरा डालती थी, आज वो नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ है? कहा, या रसूल अल्लाह उसकी तबीयत खराब हो गई है। इस्लाम किसे? तबीयत खराब हो गई है। मेरे नबी फरमाते हैं, चलो उसका घर कहाँ है? कहा, वो सामने घर है। मेरे नबी गए और जाने के बाद पूछा, ए बूढ़ी औरत ये बताओ तेरा क्या हाल है? कहा, मोहम्मद अरबी आप तो मेरे दुश्मन हैं, आप यहाँ कैसे चले आए हैं? आप यहाँ कैसे चले आए हैं? हम तो आपसे दुश्मनी किया करते थे। कहा, सुनो यही तो इस्लाम का संदेश है, चाहे दुश्मन हो चाहे कोई भी हो, अगर वो बीमार पड़ जाए तो उसकी इयादत करना चाहिए। बोलो सुभान। इयादत करने के लिए मुस्तफा गए हैं, तीमारदारी करने के लिए। औरत खड़ी होती है और कहती है, ए मोहम्मद अरबी हमने सुना था इस्लाम आप ताकत की बुनियाद पर फैला रहे हो, लेकिन आज हमने समझ लिया है इस्लाम ताकत की बुनियाद पर नहीं बल्कि आपके अखलाक की जोर पे फैल रहा है, आपके किरदार के जोर पे फैल रहा है। अच्छा, आप में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र कितनी गुजर गई? 50 साल। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 30 साल गुजर गई, कुछ ऐसे हैं जिनकी उम्र 20 साल गुजर गई। कहाँ? दुनिया की रंगरेलियों में, दुनिया के बागों बहार में, लेकिन आ एक लम्हा इश्के मुस्तफा में गुजार कर दे। ये 30 साल जिंदगी बौने नजर ना आए तो फिर बात ही क्या है, ये 20 साल जिंदगी बौने नजर ना आए तो फिर बात ही क्या है।
आइए जल्दी आइएगा फिर लौट के, चूंकि मैं रोकता नहीं। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, बीच मजमा से एक लड़का उठा, ऐसे किया, मैंने कहा भाई, थोड़ी देर के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा बैठना, तीसरी मर्तबा उठाना, मैंने बैठा दिया। तकरीर के बाद भी वही बैठा रहा, मैंने कहा बाबू उठना जा क्यों नहीं रहा है, तो कहा जिस काम के लिए जा रहा था वो यहीं पर हो गया है, इसलिए जरूरत के तहत आप जा सकते हैं, मैं रोकता नहीं हूं, जाइए लेकिन जरूरत पूरी करके आइएगा। तो हजरात एक लम्हा इश्के मुस्तफा में गुजार कर दे, ये 30 साल जिंदगी बौने नजर ना आए तो फिर बात ही क्या है, ये 50 साल जिंदगी बौने नजर ना आए तो फिर बात ही क्या है। आ दामने मुस्तफा में आ मुस्तफा जाने रहमत का सच्चा गुलाम बन जा, ये दुनिया के ताजवर तुम्हारी ठोकरों में नजर ना आए तो फिर बात ही क्या है। तो आप कहोगे अमजद रजा नूरानी आप बिहार सिवान से आए हो हमें फकीर बनाने के लिए, मैं कहूंगा नहीं, आप दौलतमंद बनिए, हवाई जहाज की गोद में झूलिए, मेरा दिल अंदर से तो ये कहता है कि आप बिजनेस की दुनिया में उतरिए तो ये हीरो भाई अंबानी के दोनों बेटे मुकेश अंबानी अनिल अंबानी भी आपके सामने घुटना टेक दे, ये बजाज वाले, ये टाटा बिरला वाले, ये अडानी जैसे लोग आपके सामने हाथ बांध कर खड़े हो जाए। उतरो दुनिया में, इस्लाम पीछे रहने का हुक्म नहीं देता, तरक्की कीजिए, लेकिन हाँ ये याद रहे जब इस दुनिया का मुकाबला दीने मुस्तफा से हो जाए तो इस दुनिया को जूते की नोक पे मार करके ये बता देना ए दुनिया हम तुम्हारे लिए नहीं जीते हैं, हम तो कल भी मुस्तफा के लिए जीते थे आज भी मुस्तफा के लिए जीते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा अहमद रजा चतुर्वेदी, नारे तकबीर। मतलब ये है दुनिया का मकाम ये है कि इसे जूते की नोक पे रखा जाए, और जब अल्लाह वालों ने रखा है तो फिर मकाम अल्लाह ने क्या दिया है, तारिक उस सल्तनत मखदूमे पाक जब सिमनान की हुकूमत को ठोकर मारी है और मारने के बाद जब भारत की सरजमीन से जब आप किछोचा जा रहे हैं, जब आप जौनपुर की सरजमीन से गुजर रहे हैं, कुछ हासिदीन आगे बढ़े हैं, कुछ जालिम आगे बढ़े हैं और कहा या अपने आप को संत कहते हैं या अपने आप को महाराज कहते हैं या अपने आप को सूफी कहते हैं, इनका इम्तिहान लिया जाएगा, इनकी आजमाइश की जाएगी। हजरात एक आदमी को, जिंदा आदमी को खाट पे लेटा दिया, लेटाने के बाद प्लानिंग सेट हुई, कहा सुनो जैसे ही तुम्हें लेटना है लेकिन जैसे ही मखदूमे पाक तकबीर कहेंगे ना, पहली तकबीर कहेंगे ना, फौरन उठ जाना है, इनका मजाक उड़ाया जाएगा। लेकर के आया है मखदूमे पाक की बारगाह में, कहा हुजूर जनाजे की नमाज पढ़ा दीजिए। मखदूमे पाक फरमाते हैं सुनो, संत किसी को तकलीफ नहीं देता, बोलिए ना सुभान अल्लाह, संत किसी को तकलीफ नहीं देता, संत जोड़ता है, बोलिए सुभान अल्लाह, वो तोड़ता नहीं यार, वो तो प्रेम की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है। सुनो मखदूमे पाक फरमाते हैं सुनो, मेरे नबी का ये अखलाक है, ये इस्लाम है, इस्लाम तोड़ने की आदेश नहीं देता। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लोगों ने कहा पढ़ाना पड़ेगा, जब जिद किया ना, कहा ठीक है मैं पढ़ाता हूं। हजरात आप फरमाते हैं ठीक है मैं पढ़ाऊंगा, सफेद सीधी हो गई, आपने कहा अल्लाह अल्लाहु अकबर, पहली मर्तबा कहा, वो नौजवान उठा नहीं, लोग कह रहे अरे कितना बेवकूफ है, प्लानिंग के मुताबिक उठा ही नहीं, मजा ही खत्म हो गया। दूसरी मर्तबा आप दूसरी तकबीर कहते हो अल्लाहु अकबर, फिर भी सोया, तीसरी तकबीर हो गई, चौथी तकबीर, लोग सोच रहे ये उठ क्यों नहीं रहा। चौथी तकबीर सलाम के बाद लोग दौड़ते हुए गए, चेहरे से वो कफन का टुकड़ा हटाया, जैसे देखा तो देखता ये है कि सोलाया था जिंदा लेकिन मुर्दा हो गया है, बोलिए सुभान,
मुर्दा हो गया है। ये अल्लाह वालों की शान है, सुनो, जिन्होंने दुनिया को ठोकर मारी है, फिर मकाम ये दिया है अल्लाह ने, जिसे चाहा है उसे इशारे से जिंदा किया है, जिसे चाहा है उसे मुर्दा बना दिया है। मखदूमे पाक की बारगाह में आए लोग, कहा हुजूर माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, आप ना माफ कीजिएगा, आप तो फातिमा के बेटे हैं ना, आपके घर में माफ किया जाता है, आप नहीं माफ करेंगे ना तो जमाना कैसे माफ करेगा, माफ कर दीजिए। मखदूमे पाक फरमाते हैं, जाओ हमने माफ कर दिया है, वो जिंदा हो गया। मतलब कहने का ये है, जो दुनिया को ठोकर मारता है फिर उसका मकाम क्या होता है, दुनिया का मकाम जूते की नोक पे है। लेकिन मैं कहूंगा, हर आदमी आज पैसा 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 हो, चाहे जैसा हो, चाहे भाई का खून बहा कर लाया हो, चाहे भाई को मर्डर करा कर लाया हो, चाहे पड़ोस का रास्ता बंद करवा कर लाया हो, चाहे पड़ोस को झूठे मुकदमात में फंसा कर लाया हो, लेकिन पैसा चाहिए। मैं कहूंगा ठीक है, पैसा का मकाम तो यही है, लेकिन आज मैं एक आपको ऑप्शन बताता हूँ, वो ये कि वहां से उठाइए और यहाँ ले आइए, है जे भाई ना, इसमें ले आइए, लेकिन ख्याल रहे यहां से यहां नहीं आनी चाहिए, है ना, इसलिए कि जब दिल में दुनिया आती है ना तो आदमी नमरूद बनता है, जब दिल में दुनिया आती है तो फिरौन बनता है, जब दिल में दुनिया आती है तो शत्तात बनता है, जब दिल में दुनिया आती है तो कारून बनता है, जब दिल में दुनिया आती है तो हामान बनता है, जब दिल में दुनिया आती है तो मक्के का अबू जहल, उतबा व शैबा बनता है, जब दिल में दुनिया आती है तो कूफा का यजीद बनता है, जब दिल में दुनिया आती है तो ना जाने भारत का क्या क्या बना करता है, लेकिन लेकिन जब इस नारे तकबीर, जब इसी दिल में नारे रिसालत, जब इसी दिल में मुस्तफा आते हैं तो कोई अबू बकर बनते हैं, कोई उमर बनते हैं, कोई अली बनते हैं, कोई बिलाल हबशी बनते हैं, कोई शहीद आजम बनते हैं, कोई फटका मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा बना करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, बाबा याकूब शाह रहमतुल्लाह अलैह, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने बाबा याकूब शाह रहमतुल्लाह अलैह, फैज़ाने रोशन अली बाबा रहमतुल्लाह अलैह, नारे तकबीर। इन्हीं की एक किताब है जिसके नाम है बताया गया, द्वादश श्याम शुक्ल पक्षस्य माधवे मासी माधवा जातो ददरिष्टु पुत्रम पितृहिष्ट मानसो, इनकी किताब में बताया गया, अंतिम संदेश था 12 रबी अव्वल सोमवार के दिन मक्का में जन्म लेंगे, सुभान अल्लाह। इसीलिए एक शायर कहता है, 12 रबी उल अव्वल दिन वा सोमवार हो, 12 रबी उल अव्वल दिन वा सोमवार हो, मक्का में पैदा भैलन अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भैलन अरबी सरकार हो। तुलसीदास कहते हैं, यहाँ न पक्षपात कुछ राखो, वेद पुराण संत मत भागो, वर्ष सहस दस्तुंदरम होई ताके बाद न पावे कोई, देश अरब भरक लता सुहाई, सुबीतल भूमगत सुनो खगड़ाई, समझो सम्मत्ता के होवे सुंदरम दामे दिष्ट हिटिया सोवे, सम्मत विक्रम के हुई इनका महान कुकिन स्थित तबका, आज सुनित भव प्रेत दिखावे अपनी मन सबको समझावे, चत्र सुंदरम सत्य चारे ताके बन सुई भूभारे, इकम सुई तेज अपारा तिपति अबाव नमत मझारा, तब लग सुंदरम च चहे कोई बिना मोहम्मद पार न होई। कौन तुलसीदास कहते हैं, और एक किताब है तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस में, कि जब संग्राम का दिन होवे बिना मोहम्मद नैया पार न होवे। तुलसीदास ने लिखा है, लोगों जब मुझे कोई संकट आती है, मुसीबत आती है, तो मैं किसी और का नाम नहीं लेता हूँ, अंतिम ऋषि कल की अवतार जगत गुरु महामहिम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेता हूँ, मेरा बिगड़ा काम बन जाता है। बिना मोहम्मद बबुआ
पार नहीं होई बा बिना मोहम्मद बबुआ पार नहीं होई बाप जन्नत त दूर बाटे खुशबू न पैबा जन्नत त दूर बाटे खुशबू न पैबा। अच्छा दहेज की जहेज की लानत हर आदमी को परेशान कर रखा। एक आदमी नौजवान संस्कृत पढ़ कर आया है ना, संस्कृत पढ़ के आया, लड़की वाला फोटो लेकर गया, उसके बाप को दिखाया, ए बाबू भाई लड़की पसंद भी आ, तो कहा हाँ लड़की तो ठीक है। बाप ने भी देखा लड़की ठीक है, फिर फाइनल ये हुआ, ये बताओ क्या चाहिए। लड़की वाले ने कहा ये बताओ फ्री चाहिए, तो लड़का कहता ना। फिर पूछा ये बताओ क्या अपाची चाहिए, तो कहा ना। फिर कहा क्या कूलर चाहिए, साफ बताओ, तो कहा ना यामाहा। मतलब यामाहा चाहिए तब ब्याह होली। हाँ देखिएगा अंगूठा छाप है लेकिन कहता है कि लड़की देखिए बीए होई ना तब चली। लड़की चाहिए बीए, आई है बेचारा लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर। हाँ लड़की सुंदर है सब कुछ है, कहता कि हाँ ठीक है भाई। मैंने कहा सुन खुद है लंगूर तलाश रहा है जन्नत की ओर, इसीलिए रिश्ता तलाशिए। तो लड़की और लड़का में इख्तलाफ इसीलिए होता है कि आप अपनी बेटी को शराबी से ब्याह करा देते हैं, बेटी बेचारी तहज्जुद पढ़ती है, पांचों वक्त की नमाज पढ़ती है, और उसे एक शराबी से आपने शादी कर दिया। बताओ मोहब्बत रहेगी, इत्तेहाद नहीं रहेगा। इसलिए जहां पे आप लड़का में लड़की में देखते हो लड़की दीनदार है या नहीं, लड़का को भी देखिए कि लड़का दीनदार है या नहीं, देखकर शादी कीजिए। सुनिए हमें खुशी है, एक मस्जिद है, मस्जिद की बुनियाद रखी जाएगी, रखी गई है। आप साहिब दिल है, हुजूर फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह का घर दुनिया में बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। बोलो सुन, कुछ मस्जिद के नाम पर शायद ये चंदा आया है, लेकिन मैं भी चाहता हूँ उन जाकिरों में अपना नाम लिखाओ, जब मैदान महशर में नाम आएगा ना फला फला ने चंदा दिया, तो मेरा भी नाम आएगा कि इन्होंने भी ऐलान किया था। सुनिए दुनिया बनाने के बाद दुनिया में किसी पीएम का घर नहीं बना था, दुनिया में सबसे पहले अल्लाह का घर खाने काबा बना था, खाने काबा बना था। अल्लाह गोया बताना चाहता है सुनो, दुनिया में अल्लाह का घर अगर महफूज है तो इसी के सदके अल्लाह तेरे घर को भी महफूज रखेगा, तेरे घर को भी महफूज रखेगा। अगर बहुत सारे लोग हैं, अल्लाह ने बहुत सारी दौलतों से नवाजा है, कुछ ऐसे लोग हैं पांच आदमी चाहिए पंजतन के नाम पर जो एक एक हजार रुपया दे दे, आप अपने लिए देंगे लेकिन मैदान महशर में ये एक हजार रुपया आपके लिए इतनी बड़ी नेकी होगी, जब सब जन्नत में जाते होंगे तो आपका भी नाम जन्नतियों में लिखा जाएगा। फला साहब ने एक हजार रुपया दिया था, आइए पंजतन के नाम पर नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे लगाइए, मुकद्दस मसलक आला हजरत मस्जिद बाबा याकूब शाह रहमतुल्लाह अलैह सुन्नत। सुभान अल्लाह, हजरत कोई है पंजतन के नाम पर पांच आदमी चाहिए, ये माल आंख बंद होगी
ये माल यही रह जाएगा, ये दौलत यही रह जाएगी, ये पैसा यही रह जाएगा, बिल्डिंग यही रह जाएगी, लेकिन आपके साथ यही नेकियां जाएंगी। हुजूर फरमाते हैं एक आदमी मरने वाला है, अपने तीन दोस्त को बुलाया है। हुजूर फरमाते हैं उस आदमी ने मरने वाले से पूछा, उस अपने दोस्तों से पहले दोस्त से पूछा, ये बताओ जब मैं मर जाऊंगा मेरे लिए क्या करोगे? कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा साथ मरने के बाद छोड़ दूंगा। हुजूर फरमाते हैं दूसरे दोस्त से पूछा, बताओ तुम क्या करोगे? कहा कि तुम्हें कफन पहना करके कब्र तक ले जाऊंगा, कब्र में उतार दूंगा। हुजूर फरमाते हैं तीसरे दोस्त से पूछा, ये बताओ मेरे मरने के बाद तुम मेरे लिए क्या करोगे? तीसरे दोस्त ने कहा, यार मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ तेरी कब्र में चला जाऊंगा। मतलब ये है, हुजूर फरमाते हैं पहला दोस्त जिसने सीने से इनकार किया वो उसका माल है, वो उसकी दौलत है। दूसरा जिसने कब्र तक ले जाने का वादा किया था वो उसकी औलाद है, वो उसके अजीज व अकारीब है, वो उसके दोस्त है, वो उसके भाई है, जिसने कब्र तक पहुंचाने के लिए। नारे जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे रिसालत, इनायतुल्लाह भाई, इनायतुल्लाह भाई ने बाबा याकूब अलैहि रहमा को गवाह बना करके मस्जिद के नाम पर 1,000 दिया है। दुआ है अल्लाह तबारक व ताला इन्हें और दौलत अता फरमाए, कही आमीन। अच्छा इसके का 1,000 आया है, कोई ऐसा नौजवान है जो इसका जोड़ी लगा दे? नहीं है, इतना बड़ा मजमा है यहाँ से वहां तक के मैं अपने लिए नहीं मस्जिद के नाम पर एक और कौन है जवान। सुभान अल्लाह हजरात, ये दौलत यही रह जाएगी, पैसा यही रह जाएगा, इसलिए कि हमारा जीना सुभान अल्लाह, क्या नाम है, रमजान, बहुत जल्दी रमजान आने वाला है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रमजान भैया ने 1,000 रुपया दिया है, दो आदमी आ चुके हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तीसरे आदमी क्या नाम, बदरुद्दीन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये भाई साहब ने भी 1,000 रुपया दिया है, अल्लाह ताला इनकी दौलत को कबूल फरमाए, इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। दो देखिए मैंने वादा किया है 5 आदमी, 3 हो चुका है, जब तक आप नहीं दीजिएगा हम माइक पे यूं ही रहेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दिलदार साहब ने 1,000 का वादा किया, उसके अलावा चावल देने का वादा किया है, ये कल दे देंगे, अल्लाह ताला इनकी दौलत को कबूल फरमाए। चाय वाले सॉरी सॉरी सॉरी, चूंकि चाय वाले का नाम लेने में भी अभी चाय पी रहे थे तो एक शेर मेरे ज़हन में आ रहा था, आदमी भी कमाल करता है चाय पीकर खिलाल करता है, जिसको आता नहीं है बिस्मिल्लाह वो भी मुर्गी हलाल करता है। हाँ इसलिए चाय वाले भैया, कल दिलदार भाई चाय वाले भैया 1,000 रुपया देंगे, अल्लाह ताला इनकी चाय में और बरकत अता फरमाए। आप लोग आइएगा पीजिएगा ताकि इनकी दौलत में अल्लाह और इजाफा फरमाए। ये शायद 4-5 हज़ार रुपया जो का चारे हुआ है, एक अभी भी बाकी है। भाई साहब आ रहे हैं, अल्लाह ताला इन्हें नमाजी बनाए, बोलिए ना सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए 1,000 क्या नाम, सुभान अल्लाह, चेहरे पे दाढ़ी है, बोलिए ना सुभान अल्लाह। हम तो छिला करके गटर में फेंकते, चेहरा पे दाढ़ी कब रखिएगा, कब रखिएगा, बोलो मुसलमानों। और सुनिए इसमें नमाज कितने लोग पढ़ते हैं, जरा हाथ उठाइए। अरे बहुत लोग है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत लोग है। नमाज पढ़िए, मस्जिद भी जरूरी है, नमाज उससे ज्यादा जरूरी है, नमाज उससे भी ज्यादा जरूरी है। मस्जिद अल्लाह का घर है,
लेकिन सुनो, ये उम्मत मुहम्मदी की ये खसूसियत है, आपकी मस्जिद में आप आएंगे तो आपकी नमाज कबूल की जाएगी और कदम कदम पे सवाब दिया जाएगा। लेकिन सुनो, और उम्मतों का हाल ये था कि वो एक जगह खास होती थी, वहां पे नमाज पढ़ते थे, लेकिन आपको अल्लाह ने अपने नबी के वसीले से ये खसूसियत अता फरमाई है कि आप घर में रहो, खलियान में रहो, दुकान में रहो, मकान में रहो, जहां रहो, आप अगर जगह पाक है आप वहीं मुसल्ला बिछाओ, चटाई बिछाओ, वहीं पे अल्लाह को सजदा करोगे, अल्लाह आपकी नमाज को कबूल फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस। हजरात, तो नमाज पढ़िए। आखिरी बात मैं पेश कर दूं, नमाज पढ़िए। मैं एक रास्ते से आज लोग योगा करा रहा, योगा करा रहा, लेकिन नमाज देखिएगा हर बीमारी से। बस 2 से 3 मिनट में मैं अपनी बात पूरी कर लूं। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।